नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा घर बैठे कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक एंड शेयर बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो दोस्तों, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं register.ishram.gov.in। आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट आप ishram.gov.in सर्च कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ishram भी सर्च करेंगे तो भी ishram का पोर्टल सामने ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे हम ishram का पोर्टल ओपन किए तो कुछ इस तरह ishram का पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर सामने शो कर रहे हैं डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसा कि ishram के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है और आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर ज़रूरी है और बैंक अकाउंट डिटेल भी ज़रूरी है और एज 18 साल से 59 के बीच में रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप ishram कार्ड बना सकते हैं। उसके लिए आपको CSC के थ्रू ishram कार्ड बनवाना होगा, वहाँ पर थंब के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर हम यहाँ पर CSC को ना जाके हम डायरेक्ट खुद से ही ishram कार्ड बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको CSC नहीं पता है तो आप फाइंड माई CSC पे क्लिक करके आप CSC सेंटर अपने नज़दीकी एरिया में सर्च कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, जो कि ishram के पोर्टल पर ही अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर फाइंड माई CSC का ऑप्शन है, CSC सेंटर लोकेटर। तो दोस्तों, ये सब डिटेल आप समझ लीजिए। उसके बाद, जैसा कि अभी हमारा आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है पास में, तो हम यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर प्रेफर्ड लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर हम फिल कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर और नीचे कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिख रहा है तो हम वहाँ पर अपना जो कैप्चा दिख रहा है वो फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO या ESIC के मेंबर नहीं हैं तो यहाँ पे नो क्लिक करना है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर यस करेंगे तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो जैसा हमने ये नो कर दिया और आगे प्रोसीड किए तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पर जो OTP आया हमने यहाँ पर डाल लिया और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो सामने कुछ इस तरह विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमें आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन खुल के आता है और यहाँ पर आधार नंबर डाल के आई एग्री पर क्लिक करके दोबारा सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम आधार नंबर डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर था उस पर दोबारा से OTP आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे फ़ोन पे OTP आ चुका है और हम यहाँ पर वो OTP डाल लेते हैं। दोस्तों, OTP डालने के बाद ये वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट करेंगे दोस्तों, हमारे आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है वो हमारे सामने आ जाएगा, जैसा कि फ़ोटो, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, ये सब चीज़ें हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो हम दोबारा से आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन ओपन हो गया है। अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी के ऑप्शन पे भी ईमेल आईडी फिल कर देंगे। जैसे कि हम वो सब फिल नहीं करना चाहते हैं तो आगे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेते हैं। मैरिड, फादर नेम पर अपना फादर नेम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। दोस्तों, जो जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर देखिए रेड कलर का स्टार मार्क दिख रहा है, वो फिल करना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हम नहीं फिल करेंगे तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फादर नेम फिल कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे सोशल कैटेगरी ST SC OBC एंड जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि OBC है तो इसको OBC सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सोशल कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका भी अपलोड करने का ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों ब्लड ग्रुप का ऑप्शन है, आप अपना ब्लड ग्रुप डाल दीजिए, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसा कि यहाँ पर अपना बी पॉजिटिव है तो हम वो डाल देते हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं तो हम इसे नो कर लेते हैं। और यहाँ पे नॉमिनी डिटेल अगर आपके पास है तो वो भी फिल कर सकते हैं, तो क्योंकि दोस्तों नॉमिनी डिटेल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखा है, मतलब स्टार मार्क किया है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, बिना इसको फिल किए हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भी फिल कर लेते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशन भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल वाइफ, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अपना रेसिडेंशियल डिटेल्स फिल करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे होम नेटिव स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन बोल रहा है, तो यहाँ पे हम नेटिव स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया का जो भी नेटिव स्टेट है। जैसा महाराष्ट्र में, नेटिव प्लेस महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों, नेटिव प्लेस यानी परमानेंट जो एड्रेस है वहाँ का डाल देते हैं हम यहाँ पे नेटिव में, और करंट एड्रेस में यहाँ का, जैसे उत्तर प्रदेश है नेटिव स्टेट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक जो आईडी है ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे अर्बन रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अर्बन है, अभी करंट एड्रेस जो है अर्बन ही है, तो शहर है तो वो सेलेक्ट कर लिए। स्टेट यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिए जो करंट एड्रेस का है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करंट एड्रेस का सेलेक्ट कर लेते हैं, और सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ का। और यहाँ पे सिटी का नाम भी यहाँ पर डाल देते हैं, मैनुअली फिल कर देते हैं, और पिन कोड ऑटोमेटिकली है ही जो आधार कार्ड पे है, और करेंटली जो करंट लोकेशन है यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं वो हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 15 से 20 साल रह रहे हैं यहाँ पर, तो सेलेक्ट करके सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे पढ़ाई कितना किए हैं वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। प्राइमरी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है दोस्त, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और मंथली इनकम क्या है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट है तो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जाने देते हैं। तो दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन और स्किल का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे हम वो डाल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल भी है, इस पर आप अपना जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसका कोड लिखा हुआ है, आप कोड डालेंगे तो डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा कि आप काम क्या करते हैं उसका डिटेल, वो सबका अलग अलग काम या ऑक्यूपेशन जो भी आपका है उसका जो कोडिंग है यहाँ पर किया हुआ है, आप वो सेलेक्ट करके वहाँ पर अपना कार्ड पर मेंशन करा सकते हो। यहाँ पे देखिए सब कोडिंग किया गया है, तो अपना इसी के अनुसार अपना वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी में आप क्या काम करते हो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी फिलहाल काम कर रहे हैं वो यहाँ पे फार्म सेलेक्ट किए, तो अभी वहाँ पे दिक्कत थोड़ा टाइम जाएगा वीडियो में, तो यहाँ पे हम फॉर्म देखते हैं, तो फॉर्म का शो नहीं कर रहा है दोस्तों, दोस्तों फॉर्म पे शो नहीं कर रहा है, काम करते क्रॉप, हाँ देखिए कल्टीवेटर क्रॉप मतलब खेती करते हैं, तो सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे आ गया फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोअर, तो बराबर हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो टाइम जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिए। और कितना एक्सपीरियंस है हमारे काम में वो यहाँ पे डाल देते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और कुछ यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वगैरह रहेगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, यानी कैसे आपने
ये सीखा जो आप काम करते हो, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे रिसीव्ड फॉर्मल एंड फॉर्मल वैकेशनल यानी ट्रेनिंग, और स्किल टू बी अपग्रेडेड यानी अपग्रेड किस में करना चाहते हो, तो हम यानी और भी यानी नॉलेज इसमें और चाहते हैं, तो इसके लिए हम टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग ट्रेनिंग वगैरह ये सब यानी जो आप चाहें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। हमने ये सेलेक्ट कर लिया है एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन खुल के आया, तो यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। दोस्तों अकाउंट नंबर यहाँ पर दो बार इंटर करना होगा, तो हम यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर दो बार इंटर कर लेंगे। अगर गलत रहेगा तो यहाँ पे शो कर देगा कि दोस्तों हमने गलत अकाउंट नंबर डाला है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर हमने प्रॉपरली देख लेना है, दोनों बार सेम ही अकाउंट नंबर डालना है। तो दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे अकाउंट नंबर यानी हमारे पासबुक पर जो भी यानी बैंक में हमारा नाम है वो प्रॉपर नाम भी इंटर कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर प्रॉपर नाम फिल कर लिया है, और तो नीचे आईएफएससी कोड भी डालने का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम वहाँ पर आईएफएससी कोड भी प्रॉपरली जो हमारा आईएफएससी कोड है बैंक का वो डाल देते हैं। यहाँ पर आईएफएससी कोड डालने के बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते तो सब डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसा ब्रांच नेम वगैरह। तो फिलहाल हम बैंक का नाम भी डाल लेते हैं, फिर ब्रांच नेम नहीं डालते हैं, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ब्रांच आ जाएगा। देखिए जैसा मौखवा ये देखिए ब्रांच आ गया। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं दोबारा। दोस्तों जैसे हम सेव कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने जितना भी डिटेल फिल किया वो सब सामने हमारे दिख रहा है, इसको चाहिए तो हमें प्रिंट भी कर सकते हैं। और बाकी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमने जो जो डिटेल डाला है प्रॉपर डाला है, अगर नहीं चेक कुछ कहीं पर गलत है तो हम बैक जाके उसे सही कर सकते हैं। और उसके बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ई श्रम कार्ड बनके रेडी हो गया है सामने। अगर हमें चाहिए तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि राइट साइड में कॉर्नर पे ऊपर बटन है डाउनलोड यूएन कार्ड पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसका फिर अपना कार्ड में प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना ई श्रम कार्ड घर बैठे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ई श्रम कार्ड मोबाइल या पीसी के द्वारा बना सके। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत